हेलो एंड वेलकम टू इलेक्ट्रिकल स्टोर हाउस। आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है ऑटोमेशन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे व्हाट इज ऑटोमेशन, टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन, एडवांटेजेस ऑफ ऑटोमेशन, डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑटोमेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ ऑटोमेशन। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑटोमेशन क्या होता है। ऑटोमेशन हमारा दो शब्दों से मिलकर बना होता है, ऑटोमेटिक प्लस ऑपरेशन। ऑटोमेशन मतलब वह ऑपरेशन जो ऑटोमेटिक होते हों, उन्हें हम ऑटोमेटिक कंट्रोल कर सकें, ऑटोमेशन कहलाता है। अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो ऑटोमेशन इज़ द क्रिएशन ऑफ टेक्नोलॉजी बाय विच अ प्रोसेस और प्रोसीजर इज़ अकम्प्लीज्ड विदाउट ह्यूमन असिस्टेंस और मिनिमल ह्यूमन असिस्टेंस। ऑटोमेशन वह टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा किसी प्रक्रिया को बिना मानव के सहायता के या न्यूनतम मानव की सहायता के साथ किया जाता है, ऑटोमेशन कहलाता है। बेसिकली ऑटोमेशन विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के प्रोडक्शन एंड डिलीवरी को कंट्रोल एंड मॉनिटर करने के लिए एक प्रकार की टेक्नोलॉजी है। जो काम पहले मनुष्यों द्वारा किया जाता था, अब इस टेक्नोलॉजी से किया जाता है, जिससे समय की बचत होती है, प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, ह्यूमन को सेफ्टी रहती है एंड सो ऑन। ये सब चीज़ें हम इसके एडवांटेजेस में देखेंगे। ओके, इट इज़ द यूज़ ऑफ वेरियस कंट्रोल सिस्टम्स फॉर ऑपरेटिंग इक्विपमेंट, जैसे मशीनरी, प्रोसेस इन फैक्ट्रीज, बॉयलर एंड हीट ट्रीटिंग ओवन, टेलीफोन नेटवर्क पर स्विचिंग, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट एंड अदर एप्लीकेशन, और वाहनों के न्यूनतम या कम मानवीय सहायता के साथ संचालन के लिए विभिन्न प्रकार का कंट्रोल सिस्टम है। ऑटोमेशन यूजुअली कॉम्बिनेशन ऑफ मैकेनिकल, हाइड्रोलिक, न्यूमेटिक, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड कंप्यूटर सहित विभिन्न माध्यमों से ऑटोमेशन को प्राप्त किया जा सकता है। If we are talking about what is the principle behind the automation, so first is existing process को समझना, second is process को simple बनाना, and third one is process को automate करना, मतलब स्वचालित करना। अब हम बात करते हैं types of automation के बारे में। So automation 3 types के होते हैं, fixed automation, प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन एंड फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिक्स्ड ऑटोमेशन के बारे में, इसे हम हार्ड ऑटोमेशन भी कहते हैं। फिक्स्ड ऑटोमेशन प्रोसेसिंग और असेंबली ऑपरेशन के एक फिक्स्ड सीक्वेंस को ऑटोमेट करने के लिए एक स्पेशल पर्पस इक्विपमेंट है। दैट मीन्स इसमें जो सीक्वेंस होता है फिक्स्ड होता है। In fixed automation, we can't change process. The sequence is usually very simple. It is relatively difficult to accommodate changes in the product design. अगर हम इसके advantages की बात करें तो first है automated material handling and second one is high production rate. Fixed automation को हम ज़्यादातर automobile industries में use करते हैं, ठीक है। फिक्स्ड ऑटोमेशन के डिसएडवांटेजेस क्या है? तो पहला है हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ओके, एंड सेकंड वन इज रिलेटिवली इनफ्लेक्सिबल इन अकोमोडेटिंग प्रोडक्ट चेंजेस। ओवरऑल फिक्स्ड ऑटोमेशन नाम से ही पता चल रहा है कि ये फिक्स्ड होगा, इसमें हम इसके प्रोसेस या सीक्वेंस को चेंज नहीं कर सकते हैं, ओके। अब हम बात करते हैं प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन की। प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन को हम मैनुअल चेंज ओवर ऑटोमेशन भी कह सकते हैं। प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन में प्रोडक्शन इक्विपमेंट को डिफरेंट प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेशन को अकोमोडेट करने के लिए ऑपरेशन के सीक्वेंस को बदलने की कैपेबिलिटी के साथ डिज़ाइन किया गया है। मतलब प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन में ऑपरेशन के सीक्वेंस को चेंज कर सकते हैं। वी कैन चेंज द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस इन प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन, एंड द ऑपरेशन सीक्वेंस इज कंट्रोल्ड बाई अ प्रोग्राम विच इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कोडेड सो दैट दे कैन बी रीड एंड इंटरप्रेटेड बाई द सिस्टम।
अगर हम इसके एडवांटेज की बात करें तो फर्स्ट वन इज़ फ्लेक्सिबल टू डील विथ डिज़ाइन वेरिएशंस एंड सेकंड वन इज़ सुटेबल फॉर बैच प्रोडक्शन, ओके। और इसका डिसएडवांटेज क्या है, हाई इन्वेस्टमेंट इन जनरल पर्पज़ इक्विपमेंट एंड सेकंड वन इज़ लोअर प्रोडक्शन रेट देन फिक्स्ड ऑटोमेशन। मतलब इसका जो प्रोडक्शन रेट होता है वो कम होता है कंपैरिजन टू फिक्स्ड ऑटोमेशन। अब हम बात करते हैं फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन की, इसे हम सॉफ्ट ऑटोमेशन भी कहते हैं। फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन फिक्स्ड और प्रोग्रामेबल दोनों ऑटोमेशन से मिलकर बना हुआ है। फिक्स्ड प्लस प्रोग्रामेबल इक्वल टू फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन। फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन। फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन सिस्टम विभिन्न भागों का प्रोडक्शन करने में कैपेबल है, चेंज ओवर फ्रॉम वन पार्ट स्टाइल टू द नेक्स्ट विदाउट टाइम लॉस्ट। देयर इज नो लॉस्ट प्रोडक्शन टाइम वाइल रीप्रोग्रामिंग द सिस्टम एंड अल्टरिंग द फिजिकल सेटअप। अगर हम इसके एडवांटेज की बात करें तो फर्स्ट वन इज़ कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन ऑफ वेरिएबल मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट एंड सेकेंड वन इज़ फ्लैक्सीबल टू डील विथ प्रोडक्ट डिज़ाइन वेरिएशन। और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, पहला है मीडियम प्रोडक्शन रेट और दूसरा है हाई इन्वेस्टमेंट, ओके। तो ये थ्री टाइप्स के ऑटोमेशन होते हैं, फिक्स्ड, प्रोग्रामेबल एंड फ्लैक्सीबल। अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ ऑटोमेशन, ऑटोमेशन के लाभ क्या क्या हैं। पहला एडवांटेज है इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी, दूसरा है इम्प्रूव क्वालिटी, तीसरा है इम्प्रूव्ड रॉबस्टनेस ऑफ प्रोडक्ट, चौथा है रिड्यूस्ड डायरेक्ट ह्यूमन लेबर कॉस्ट एंड एक्सपेंस, पांचवा है सेफ्टी, ह्यूमन सेफ्टी, और छठा है लेस टाइम, ओके, एंड लास्ट वन इज़ मोर एफिशिएंसी। ये सब ऑटोमेशन के एडवांटेजेस हैं। अब हम बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की, तो डिसएडवांटेजेस में सबसे पहला डिसएडवांटेज है इसका अनएम्प्लॉयमेंट, ओके। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है, हाई इनिशियल कॉस्ट। तीसरा डिसएडवांटेज इसका क्या है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, ओके। और चौथा है मेंटेनेंस कॉस्ट, ओके। तो ये सब इसके डिसएडवांटेजेस हैं। ऑटोमेशन का जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो अनएम्प्लॉयमेंट है। अगर हम बात करें कि ऑटोमेशन का गोल क्या है, तो सबसे पहला गोल है इसका टू हेल्प इम्प्रूव क्वालिटी, इसी के साथ साथ टू इम्प्रूव द सेफ्टी ऑफ ह्यूमंस, टू रिड्यूस मिस्टेक और एरर्स, ये सब इसके गोल्स हैं। इसके साथ इसके अलावा स्पीड अप कॉमन टास्क टू लिफ्ट प्रोडक्टिविटी। अब हम बात करते हैं कि हमें ऑटोमेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो सबसे पहला इसका कारण है टू इंक्रीज लेबर प्रोडक्टिविटी, सेकंड वन इज़ टू रिड्यूस लेबर कॉस्ट, थर्ड वन इज़ टू इम्प्रूव वर्कर सेफ्टी, नेक्स्ट टू इम्प्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी, टू रिड्यूस मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम, एंड लास्ट वन इज़ टू अकम्प्लीश द प्रोसेसेस दैट कैन नॉट बी डन मैनुअली। तो ये मेन रीजंस हैं जिसकी वजह से हमें ऑटोमेशन की आवश्यकता पड़ी। अब हम इसके कुछ एप्लीकेशंस के बारे में जान लेते हैं। जैसे इसका प्रयोग हम लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में करते हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ में करते हैं, मिलिट्री डिफेंस में करते हैं, आईटी सेक्टर में करते हैं,